पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु ने मासिक क्राइम बैठक लेते हुए जनपद पिथौरागढ़ के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को निर्देश दिए कि अवैध शराब खनन और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मुस्तैदी से कार्य करें। इन मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कैलाश मानसरोवर यात्रा और आपदा सीजन के लिए पिथौरागढ़ पुलिस ने कमर कसने भी शुरू कर दी। पुलिस लाइन में एसपी की मौजूदगी में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही पुलिस कर्मियों को यात्रा सीजन के बारे में बताया गया। इसके अलावा आपदा सीजन से निपटने के लिए भी पुलिस कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमने मासिक जो अपराध गोष्ठी हमारी होती है जिसमें सारे थाना अध्यक्ष होते हैं, हर थाने से जो सीसीटीवी से कर्मचारी वो आते हैं, और इसके अलावा जो एपीओ मैडम है, अपर पुलिस अधीक्षक संचार और जो सीओज हैं वो सब आते हैं, उनके साथ हमने एक मासिक अपराध गोष्ठी की है। उसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो इस महीने का जो क्राइम का पर्सपेक्टिव रहा है उसको हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा जो आने वाली आपदा सीजन है उसके बारे में जो जरूरी निर्देश हैं उनको दिए हैं थानाध्यक्षों को। कैलाश मानसरोवर यात्रा भी शुरू होनी है, उसके लिए भी हम लोग के जो पुलिस प्रबंध होना है और डिप्लॉयमेंट प्लान बनना है और उसके लिए जो जो तैयारियां होनी है, ट्रेनिंग्स होनी है कर्मचारियों की, वो हमने अभी लोगों को भी बताया है, जो पुलिस के कर्मचारी उनको बताया है। इसके अलावा जो समस्याएं पुलिस के कर्मचारियों की उनको सुनी, उनकी सुनवाई हुई है। जो हमारी अपराध गोष्ठी में एक सम्मेलन भी होता है। संपादक शिक्षक के लिए पिथौरागढ़ से धीरज कुमार की रिपोर्ट।